हिजबुल्ला के हमलों की वजह से इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की आंखें चौंधिया गई हैं। उसे ये समझ नहीं आ रहा कि आसमान में उड़ रही ऑब्जेक्ट पक्षी है या फिर हिजबुल्ला के ड्रोन, मिसाइल या फिर रॉकेट। दरअसल हिजबुल्ला इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को छकाने के लिए थोक के भाव रॉकेट फायर कर रहा है और इसके बदले इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को महंगी महंगी इंटरसेप्टर मिसाइलें दागनी पड़ रही हैं, जो इजरायल के लिए बेहद ही खर्चीला है। उधर इजरायल ईरान पर जवाबी हमले की तैयारी में भी लगा है। लेकिन इस सब के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जो इजरायल के लिए बड़ी मुसीबत ला सकती है। दरअसल ब्रिटेन की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इजरायल के पास अपने एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलें कम पड़ रही हैं। और अगर ईरान ने इसराइल पर फिर से हमला किया तो इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आईसीयू में जा सकता है। इसको लेकर फाइनेंशियल टाइम्स ने एक एक्सपर्ट और पूर्व सैन्य अधिकारी के हवाले से एक खबर छापी है। अखबार का कहना है कि इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी को दूर करने के लिए अमेरिका इसराइल की मदद कर रहा है, विशेषकर टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल सिस्टम यानी थार्ड के जरिए। लेकिन बड़े हमले की स्थिति में इसराइल को ये तय करना पड़ेगा कि उसे किस मिसाइल को गिराना है और किसे जाने देना है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की पूर्व रक्षा अधिकारी डायना स्ट्रॉल ने कहा कि इसराइल की गोला बारूद की समस्या गंभीर है। अगर ईरान ने इजरायली हमले का जवाब दिया और हिजबुल्ला उसके साथ आया तो इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम पर हवाई सुरक्षा का दबाव बढ़ जाएगा। डायना का कहना है कि अमेरिका के लिए इजरायल और यूक्रेन को लगातार बारूद की सप्लाई करना आसान नहीं है। वहीं इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सीईओ बोआज लेवी का कहना है कि हमारी कुछ कंपनियां 24 घंटे हफ्ते के सातों दिन काम कर रही हैं। हमारा मकसद अपने दायित्व को पूरा करना है। आपको बता दें कि इजराइल के पास कई एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जो अलग अलग किस्म के हवाई हमलों को नाकाम करते हैं। इसराइल के पास आयरन डोम है जो कम दूरी वाले रॉकेट और मिसाइलों को गिराता है। डेविड स्लिंग मध्यम दूरी वाली मिसाइलों को और एरो सिस्टम लंबी दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराता है। लेकिन इजरायली सेना का कहना है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से इजरायल पर 20,000 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइल गाजा और लेबनान से फायर किए गए हैं। आईडीएफ का कहना है कि आबादी की तरफ जा रहे कई रॉकेट और मिसाइलों को इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम ने ढेर किया है। इसके अलावा अप्रैल और अक्टूबर 2024 में इजरायल ने ईरान के मिसाइल हमलों को नाकाम किया। अक्टूबर में ईरान ने इसराइल के ऊपर 180 से ज्यादा मिसाइलें फायर की थी, जबकि अप्रैल में उसके ऊपर करीब 400 मिसाइलें फायर की गई थी। वहीं हिजबुल्ला की बात की जाए तो आईडीएफ के एक पूर्व जनरल असाफ ओरियन ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि हिजबुल्ला अपनी ताकत का सिर्फ 10वां हिस्सा ही फायर कर रहा है, यानी एक दिन में 2000 रॉकेट के बजाय वो कुछ 100 रॉकेट इसराइल पर दाग रहा है। इस अंतर का एक हिस्सा हिजबुल्ला द्वारा पूरी तरह से आगे ना बढ़ने का विकल्प है और इसका एक हिस्सा आईडीएफ का इन हमलों को नाकाम करने का कारण है। लेकिन हिजबुल्ला के पास एक मजबूत ऑपरेशन शुरू करने के लिए पर्याप्त ताकत बची हुई है। और इन्हीं कारणों की वजह से आने वाले वक्त में इसराइल को इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी हो सकती है। हालांकि अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि इसराइल को हथियारों की कमी न हो,
लेकिन हिजबुल्ला और ईरान के बिछाए हुए जाल से निकलने के लिए इसराइल को बड़ी संख्या में अपनी मिसाइलें बर्बाद करनी पड़ रही हैं।